हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्वाति की देसी रसोई में। जैसा कि मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, तो आज भी मैं आपके लिए मात्र 3 कच्चे आलू से और ब्रेड से एक बढ़िया सा नाश्ता लेकर आई हूँ। तो चलिएगा बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा नाश्ता। तो देखिएगा, मैंने जो है 8 ब्रेड लिए हैं जो नॉर्मली ब्रेड आती हैं। अब मैं इसके कॉर्नर्स काट लूँगी अच्छे से, क्योंकि हमें इसके कॉर्नर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा, मैंने ब्रेड के सारे कॉर्नर्स को काट लिया है। ये मैंने तीन चार आलू लिए हैं। मैं उनको ग्रेटर की सहायता से अच्छी तरीके से घिस लूँगी। तो चलिएगा, मैंने आलू को जो है अच्छी तरीके से घिस लिया है। अब मैंने एक बाउल ले ली है, उसमें मैंने जो 8 ब्रेड के कॉर्नर्स काट के रखे हैं उनको हाथों से तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, अदरवाइज़ इसी तरीके से हाथ से तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा, जो मैंने 4 आलू घिस के रखे हैं कच्चे आलू, मैंने उनको डाल दिया है। मैंने एक प्याज ली है जो मैंने चॉपर में काट ली है। हरी मिर्च ली है 3 से 4, थोड़े से करी लीव्स लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है, 4 से 5 लहसुन की पत्ती ली है जो मैंने कूट ली थी, और ये मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया है जिसको मैंने घिस लिया है। तो चलिएगा, अब सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लिया है। लाल मिर्च ऐड कर दी है 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर हींग ऐड कर दिया है। तो चलिएगा, इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एकदम स्मूथ करने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, ताकि जब हम इसको अच्छे से मलें तो ये हमारे हाथों में न चिपके और अच्छे से ये एकदम से बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो जाए। तो चलिएगा, अब हम इसका डो बना लेते हैं अच्छा सा, एकदम स्मूथ सा मसल मसल के। तो देखिएगा, मैंने कितना ही ज़्यादा अच्छा सा डो बना लिया है, आप देख ही सकते हैं। मैंने ब्रेड को पीसा नहीं था, मैंने सिर्फ हाथों से ही उसको मसल मसल के कितना अच्छा डो बनाकर तैयार कर दिया, एकदम आटे जैसा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कच्चे आलू का नाश्ता। तो देखिएगा, अब मैं इसकी लोइयाँ तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इस तरीके से चकले पे रख के भी हाथ से फैला सकते हैं, या फिर पिन्नी से फैला सकते हैं। पिन्नी इसके नीचे रख लें, उसके ऊपर एक और पिन्नी रख के उससे फैला सकते हैं, उससे भी आसानी से निकल जाता है। अदरवाइज़ इस तरीके से ही फैलाएँगे तब भी निकल जाएगा। तो देखिएगा, या तो आप इसको ये चिपक जाए तो आप इसे चाकू से भी छुरा सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने चाकू की सहायता से इसको छुरा लिया है। अब मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। मात्र 1 चम्मच तेल में ये बनकर तैयार हो जाता है नाश्ता। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम हेल्दी सा नाश्ता है। तो देखिएगा, मैं हाथों से कितनी अच्छी तरीके से फैला रही हूँ। वो मैंने सेकने के लिए रख दिया है। मैंने दूसरा लोई तोड़ के अब मैं दूसरा तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिएगा, इस तरीके से मैं चाकू से छुटा लूँगी, फिर अच्छे से इसको उठाने के बाद इसको हाथों से ही सेट कर दूँगी। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से उठा रही हूँ। इस तरीके से उठाने के बाद कितनी आसानी से उठ गया है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कच्चे आलू का नाश्ता। तो देखिएगा, इतने ही जो मैंने पहले डाला था बेल कर हाथों से, वो भी सीख चुका है अच्छे से। तो आप देख ही सकते हैं कितना ही ज़्यादा अच्छा तैयार हो चुका है बनके। तो चलिएगा, इसी तरीके से मैंने सारी लोइयाँ बनाकर अच्छे से बेल ली थी हाथों से। तो देखिएगा, मैंने रख दी थी उसको पकने के लिए, एक तरफ से वो पक चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे। अब देख ही सकते हैं कितना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। ऊपर से एकदम कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है ये नाश्ता। अगर आप एक बार इसको बना लेंगे तो यकीन मानिएगा कि हर बार आप इसी चीज़ को बनाएँगे। तो चलिएगा, मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने और भी बना के रखे थे। मात्र 4 आलू में मैंने पूरे घर के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरीके से 4 से 5 लोगों के लिए बना सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं मात्र 4 आलू में और 8 ब्रेड में कितना ज़्यादा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब मैं इसको इन्जॉय करती हूँ और आप भी इन्जॉय कीजिएगा। चलिएगा, बाय बाय।